बिहार के भागलपुर में एक मोहल्ले में हाथों में डंडा, मुंह में सीटी और हाथों में टॉर्च लिए ये कोई पुलिस जवान या होमगार्ड के जवान नहीं है, बल्कि गांव के ही युवा व बुजुर्ग हैं। वो अपने गांव में अमन चैन व शांति लाने के लिए रात्रि पहरेदारी कर रहे हैं। एक समय था जब गांव के लोग बदमाश से डरते थे, अब बदमाश ही इन्हीं मोहल्ले वालों से डरते हैं। मामला भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 39 और 40 सहबाज नगर का है। मुजाहिदपुर के सहबाज नगर मोहल्ले की हालत इस कदर खराब हो गई थी कि लोग उस मोहल्ले से गुजरना अपने आप को महफूज नहीं समझते थे। वहां के युवा बिगड़ रहे थे। चरस, अफीम, ब्राउन शुगर की बिक्री धड़ल्ले से होने लगी थी, जिसके चलते वहां राहगीरों के साथ छिनचोर मारपीट आम बात हो गई थी। असामाजिक तत्वों के द्वारा खुलेआम अपराध को अंजाम देना आम बात हो गई थी। लोग काफी भयभीत रहते थे। रात के अंधेरे साए से तो डर लगता ही था, दिन में भी लोग घरों से निकलना ठीक नहीं समझते थे। बहन बेटियों का स्कूल कॉलेज जाना दुश्वार हो गया था। अब मुजाहिदपुर के शहबाज नगर के लोग अमन चैन से रह रहे हैं। लोग दिन भर अपना व्यवसाय करते हैं और रात में अपने समाज की रक्षा के लिए पहरेदारी करते हैं। अब वहां के लोग बदमाशों से नहीं डरते, अब बदमाश वहां के मोहल्ले वालों से डरते हैं। यह इलाका भागलपुर का सबसे खतरनाक इलाका हुआ करता था। गांव के सभी लोग अब पहरेदारी करते दिखते हैं। प्रशासन की ओर से भी शहबाज नगर वालों को सहायता मिल रही है। जब भी गांव के लोग फोन करते हैं, तुरंत मुजाहिदपुर थाना इस पर संज्ञान लेती है और गश्ती गाड़ी जाती है। मुजाहिदपुर के शहबाज नगर मोहल्ले के लोगों का एक ही सपना है कि जिस तरह हम लोग अपने गांव को अपराध व नशा से मुक्ति दिलाए हैं, उसी तरह हर गांव के युवाओं को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे अपने गांव, समाज, जिला, राज्य व देश में अमन चैन बहाल हो। वहां के युवा आम आवाम से यही अपील करते दिखे कि आप भी अपने गांव की सुरक्षा के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। अपराध को जड़ से मिटाने के लिए पंचायत भवन एक बैठक रखी गई, दर्जनों लोग को एकजुट किया गया। उसके बाद रात्रि पहरेदारी शुरू हुई। गांव के तकरीबन 50 से 60 लोग, जिसमें हर घर से लगभग एक व्यक्ति रहता है, वो हाथ में डंडा, व्हिसिल, टॉर्च लेकर गांव के हर गली मोहल्ले में घूमते नजर आते हैं। ये लोग तीन गुटों में बंटकर रात्रि गश्ती करते हैं, जिससे सारा इलाका कवर हो सके। रात्रि गश्ती 10 बजे रात से 4 बजे सुबह तक की जाती है। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो दिन भर कमाने के लिए अपना 8 घंटा वक्त देते हैं कमाने के लिए, और समाज की बेहतरी के लिए हम लोग वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। तो पिछले 18 महीने 20 महीने से हम लोगों ने अपना एक कीमती वक्त निकाला, जो रात के समय थे। हम लोग तकरीबन 10 बजे के बाद निकलते हैं और सुबह 4 बजे तक हम लोग पहरा देते हैं। इससे हम लोग पूरा समाज सेफ भी हो जाता है, सुरक्षित भी महसूस करता है, और किसी को कोई डर भय कोई परेशानी नहीं होती रात में। मोहल्ले की हालत 2 साल पहले बहुत ख़राब थी। अपराधियों का गठजोड़ था और लोग भय में रहते थे। और रात में स्टेशन से यात्री जब आते थे या जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उनको उनका पैसा, मोबाइल सब छीन लिया जाता था। उसी सिलसिले में बगल के गांव का एक वाकया था, उनका मोबाइल छीन लिया गया था। उसके लिए पंचायत यहाँ बैठी थी और पता लगाया जा रहा था किसने छीना है। वो गांव मोहल्ले के पूरे लोग एकजुट थे और लोगों के मन से जब भय निकला तो लोग खड़े हो गए बुराई को मिटाने के लिए। और आज जो बच्चे भटक गए थे अब लाइन पर आ रहे हैं, नशे से दूर हो रहे हैं, और अब अपराधियों से भय नहीं है बल्कि मोहल्ले के लोगों से अपराधी भय खाते हैं। ये फर्क पड़ा है और सभी लोग सुरक्षित हैं। हम लोग चाहते हैं कि मोहल्ले का माहौल एकदम ठीक ठाक रहे, सब लोग अच्छे से रहें, यहाँ कोई बुराई यहाँ ना रहे। इसी के लिए रोजाना रात में लोग जगते हैं। पढ़ाई पूरी कर यहाँ आया हूँ और यहाँ अपना योगदान देने के लिए आया हूँ कि जो भी गलत काम करे उस पर एक्शन लूँ और उसको सही रास्ता दिखाओ। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। क्या कर रहे हो अभी? यहाँ मैं पहरेदारी कर रहा हूँ। पहरेदारी कर रहे हो? रोजाना शामिल होते हैं स्कूल? यस। क्या नशा मुक्त? क्या जी? नशा मुक्त समाज बनाना है जी। यहाँ पर क्या होता था पहले, आप पूछ लो। यहाँ पर पहले बहुत ही बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर का आयात निर्यात होता था, और यहाँ पर के कुछ आदमी, कुछ लोग थे जो कि ब्राउन शुगर का सेवन करते थे और ब्राउन शुगर का को बेचवाते थे। अब
या अब यहाँ पे ब्राउन शुगर काफ़ी हद तक रुक गया है। देख सकते हैं कि 10 बज रहा है फिर भी यहाँ मोहल्ले में बहुत ही शांति फैली हुई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने के लिए 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर में सड़क सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक करते हुए एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत भागलपुर यातायात पुलिस एवं जीवन जागृति सोसाइटी लोगों को जागरूक करते हुए भागलपुर की सड़कों पर यमराज दिखे और लोगों से यातायात का पालन करने का अनुरोध किया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हरी झंडी दिखाकर भागलपुर के यातायात DSP प्रकाश कुमार ने की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह एवं उनके संस्थान के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को सड़क यातायात की सुरक्षा हेतु घटनाओं को देखकर कई बातों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए जागरूक किया गया। इस अनोखे अंदाज से लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम होने से आम जन को यातायात के नियमों की आधारभूत जानकारी भी मिली। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चौथा दिन है और पूरा हमारा जो बिहार राज्य में है इसको बड़े स्तर से चलाया जा रहा है। हम लोग भी इसको चला रहे हैं, जीवन जागृति सोसाइटी भी इसको चला रही है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम नया कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो भी सुरक्षा मानक है, ट्रैफिक रूल्स के जो भी सुरक्षा मानक तय किए गए हैं उसका पालन करें ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो और लोग सुरक्षित रहें। इसी दरमियान में आज हम लोग एक यमराज का दिखाएंगे आप लोगों को कि यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं या सुरक्षा मानकों का ये नहीं मानते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, तो यमराज जो है वो हमेशा आपके पीछे रहता है। जहाँ मौका मिलेगा यमराज आपको सजा दे ही देगा, मतलब आप लोगों का जो पैसेंजर्स होते हैं जो बाहर होते हैं उसका जान जा सकती है। इसलिए निश्चित करिए कि आप जब भी घर से निकले, यदि टू व्हीलर में है तो हेलमेट का प्रयोग कीजिए, जूता का प्रयोग कीजिए। यदि फोर व्हीलर में राइड करते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर कीजिए ताकि आप लोग एक्सीडेंट होने से बचे। अभी हम दिखाएंगे कि किस तरह से यमराज चलता है। और आप जिस तरह से सीट बेल्ट बिना लगाए हुए कार पर चढ़ते हैं और बाइक पर बिना हेलमेट लगाए चलते हैं, ओवर स्पीड में चलते हैं और कहीं भी आप तेज़ी से चाहते हैं पास मिल जाए, उस तरह से जो भी करते हैं वो मौत को दावत दे रहे हैं। और यमराज आज कह रहे हैं कि आपका हमारे यहाँ ऐसे लोगों का हमारे यहाँ निमंत्रण है, आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आपका जिंदगी धरती से उग चुका है, अब हमारे यहाँ पधारे हो मौजूद। और यदि नहीं आप चेतेंगे तो मैं शीघ्र दोबारा आपको लेने आऊँगा। इस मुगालते में नहीं रहिएगा कि मैं बच जाऊँगा, क्योंकि यदि दुर्घटना होगी तो आप इसमें बच नहीं पाएंगे। जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से सबों का संदेश है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के बातों को ध्यान से सुने और ज़िंदगी में इसको अमल करने का कोशिश करें और बिना यातायात के जो नियम है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। भागलपुर में लगभग 2 दशक के बाद खेल जगत में शतरंज की शुरुआत एक बार फिर से हुई। जिला स्तरीय चेस टूर्नामेंट का आयोजन भागलपुर के एक निजी होटल में किया जा रहा है। इसमें 62 खिलाड़ी प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं। वहीं इससे चयनित होने वाले खिलाड़ियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद वो 20, 21 और 22 जनवरी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। एक बार फिर से भागलपुर में चेस की शुरुआत होने पर जहां खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं भागलपुर के गण्यमान्य लोगों का इसमें बड़ा योगदान रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में MLC NK यादव मौजूद रहे। वहीं चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, युवा समाज सेवी विजय यादव, भागलपुर जिला शतरंज के सचिव विश्वबंधु उपाध्याय के साथ अन्य गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शतरंज का खेल कोरोना के कारण बंद, लेकिन आज समाज सेवी विजय जी और अजय बाबू के प्रयास से पुनः ये भागलपुर में शुरुआत हो गई है और बहुत सारे बच्चे इसमें भाग लेने के लाए हुए हैं। मैं सबको शुभकामना देता हूं कि आप अच्छे से खेलें और इस खेल का जो असर है बहुत व्यापक असर होता है, खास करके जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं वो शतरंज में भी तेज होते हैं, या दूसरा कहीं जो शतरंज में तेज होते हैं पढ़ने में भी तेज। इस तरह का जो इंटेलिजेंसिया है वो पढ़ाई में भी यूज़ करें। और सबसे बड़ी बात है जो हार और जीत है, इस तरह हार जीत जीवन में भी होता है, इसको भी अपने जीवन में उतारें और हार से बहुत दुखी ना हो,
और जीत से बहुत उत्साहित ना हो, इसे जीवन में बैलेंस करके अपना चलें। यही हम इन लोगों को, युवाओं को यही मैसेज देना चाहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस शुरुआत में सूत्रधार हूं और सबसे ज़्यादा हम लोग शुभकामनाएं देते हैं खिलाड़ी हैं, इस टीम जिन्होंने बनाया है, उन्होंने 7 साल के बाद इस टीम को नया किया और एक एसोसिएशन का पूरा आगाज किया और उसके साथ ही तुरंत बनने के साथ ही तुरंत डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रहा है और तुरंत 20 तारीख से स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है जिसमें बिहार के कोने कोने से सभी लोग आएंगे और इसका यूनिवर्सिटी में इसका खेल होना है। तो यह बहुत अच्छी शुरुआत है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ के बच्चे जो मायूस हो गए थे जो कि चेस खेलते हैं उसमें पुनः ऊर्जा आएगी और चेस एक ऐसा गेम है जो जैसा कि सभी जानते हैं कि माइंड का गेम है और लोगों का माइंड भी विकसित होता है। लोग मोबाइल के जगह चेस खेलें, मोबाइल में उलझने के बदले चेस में उलझें तो ज़्यादा अच्छा। कितने टीम आई हुई है अभी डिस्ट्रिक्ट में खेलने? आज करीब 20 टीम आई हुई है और इससे जो जीतेंगे वो स्टेट लेवल। हाँ, इसमें जो जीतेंगे उसमें से 2 या 3 टीम जो है स्टेट लेवल में। बिल्कुल, चेस की शुरुआत भागलपुर में हुई है और सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर को दायित्व मिला है पूरे स्टेट का, जो यहाँ पे पूरे बिहार से, यहाँ पे हर जिले से टीम आएगी यहाँ पे। आज जो है जिला स्तरीय यहाँ पे मैच हो रहा है, जो मतलब चेस का खेल हो रहा है और आगामी 20, 21, 22 3 दिन तक लगातार जो है पूरे बिहार से हर जिले से यहाँ पे टीम आएगी और भागलपुर को यह दायित्व मिले बहुत सौभाग्य की बात है भागलपुर के खिलाड़ी से। कैसा अनुभव रहेगा? जी नहीं, बिल्कुल हम लोग सारा टीम है, पूरी टीम मिलके इस जो है राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें अजय सर हैं, सर प्रसून सर हैं, हम लोग हैं, शुभम हैं, सारे मतलब प्लेयर मिलके यहाँ पे भागलपुर के जितने प्लेयर हैं सारे लोग मिलके यहाँ। स्मार्ट सिटी के नगर निगम की मेयर चुने जाने के बाद डॉक्टर वसुंधरा लाल का सम्मान समारोह दक्षिणी क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ले में किया गया, जहां 3 वार्ड के लोगों के द्वारा मेयर को फूलमाला और बुके देकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर आम लोगों के द्वारा मेयर को वार्ड में होने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया गया, जिस पर नवनिर्वाचित मेयर ने आम लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा और शहर के सभी वार्डों में विकास के कार्यों में तेजी आएगी। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत यहीं के माता के आशीर्वाद को लेकर की थी और मैं शपथ लेने के बाद पुनः पहली बार माता के चरणों में आई और आप सबों का प्यार पाई और ये मेरा पहला नागरिक अभिनंदन है शपथ ग्रहण के बाद। आप लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं और वो भी क्यों नहीं, आपने जो मुझे जीत दिलाई है और मैं भी उसी पर्पस से आई हूं कि आप लोगों की जो भी अपेक्षाएं हैं उस पर खड़ी उतरूं। जितनी भी समस्याएं हैं, जितने वार्ड की समस्याएं, मैं मेरे संज्ञान में सारी समस्याएं हैं, मैं सब पर रोज जरूर चर्चा करती हूँ कि कैसे वो काम हो। मैं आपको बता देना चाहती हूँ इस बार के जो भी पार्षद हैं वो काफी ऊर्जावान हैं और काफी कर्मठ हैं। मैं तो काम करूंगी, ये माध्यम ये लोग होंगे, आप इन लोगों के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं वो बताएंगे और उनका निवारण होगा और होके रहेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। जितना भी पेयजल की समस्या है, जैसे आपने कहा, जो भाई साहब ने जो बोला, ये सब तो बहुत छोटी समस्या वो होगा ही और उसके लिए मैं जो भी जो उसके विशेषज्ञ होंगे, ये जो कैसे पानी नहीं आ पाता है और कैसे वो मीनार में पानी नहीं जाता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये समस्या आए ही नहीं, उस पर मैं परमानेंट रूप से गौर करने वाली हूँ। मैं वहाँ जाऊंगी तो जरूर उस पर गौर करूंगी। जहाँ तक साफ सफाई का जो भी प्रॉब्लम है इस वार्ड में 44 में हो 45, पूरे दक्षिणी क्षेत्र में, पूरे भागलपुर में ये समस्या है, उसके लिए हम सबको जागरूक होना होगा, सबों को जागरूक होना होगा कि कैसे मिलके इसको हम दूर कर सके। मैं बुलाई थी
जो भी जोनल हेड हैं सफाई कर्मी के, उनको कि कैसे इसको दूर कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए मुझे कि आप लोग अपने अपने घरों से जो कचरा उठा के डायरेक्ट नोरोड पे फेंक देते हैं, ऐसा ना करें, उसको किसी कचरे वाले डब्बे में रखे कि जो भी सफाई कर्मी आए उसको उचित स्थान तक पहुंचाए और आपका जो जगह है वो स्वस्थ रहे और सुंदर दिखे, बीमारी रहित रहे। तो ऐसा मेरा धारणा है कि हम लोग सब लोग मिलके करेंगे और जो आपके पार्षद हैं जो चुन के आए हैं, इन लोग की जिम्मेवारी है, इनको आप बताएंगे कि आपके वार्ड का क्या समस्या और ये ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, और मेरे तक इनकी बात पहुंचेगी कि हाँ ठीक से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद आकर के उस पर संज्ञान लूंगी कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है। पिछले 22 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जैविक प्रोडक्ट पर काम कर रही संस्था स्मार्ट वैल्यू के द्वारा लोगों तक प्रधानमंत्री की मुहिम स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया से जोड़ने की और एक पहल करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। यह संस्था समाज सेवा के साथ साथ लोगों को रोजगार से जोड़ने और शिक्षित करने का भी काम कर रही है। साथ ही कृषि के क्षेत्र में रासायनिक चीजों के मिश्रण को हटाकर जैविक प्रोडक्ट्स को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए इस पर काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसे बच्चे हैं जहां तक अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पाती और गरीबी के कारण वो शहर आकर पढ़ाई नहीं कर पाते, वैसे बच्चों तक इस संस्था के द्वारा अच्छी शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही संस्था के द्वारा लोगों को नौकरी करने के अलावे नए नए सेक्टर में अपना भविष्य उज्ज्वल करने की जानकारी भी दी गई। कोरोना काल के बाद बेरोजगारी देश के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम से रोजगार का सृजन करना स्मार्ट वैल्यू संस्था के द्वारा एक अच्छी पहल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोलकाता राजू सिंह और विजय महतो पहुंचे थे। वहीं भागलपुर में राहुल कुमार द्वारा इसे संचालित किया गया। मुख्य व्यवस्थापक के रूप में भारत कुमार राज मौजूद रहे। कार्यक्रम में रमन कुमार, शशिधर सुमन, उपेंद्र कुमार, अमित कुमार, आशीष कुमार के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्मार्ट वैल्यू 22 सालों से एक संस्था है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि के ऊपर कार्य कर रही है। कृषि के ऊपर इन द सेंस ऑफ ये जैविक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, ये लोगों को शिक्षित कर रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, और जो कृषि है, जो कृषि में रासायनिक चीज आ गए हैं उसको, रासायनिक चीजों को हटा के हम लोग जैविक प्रोडक्ट का कैसे प्रोडक्शन हो, उसी दिशा में हमारी ये संस्था लगातार काम कर रही है। और हमारा ये जो संस्था है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिन बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पाता है, वैसे गरीब बच्चों तक हमारी ये संस्था एजुकेशन पहुंचा रही है। वैसे लोगों के लिए जो शहर तक नहीं आ पाते हैं तो रूरल एरिया में जाके हमारी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, लोगों को हम लोग ये समझाना चाह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल जो काम है उसके सिवा भी आप बहुत जगह से कैरियर बना सकते हैं। आज हमारे देश के अंदर में गिने चुने सेक्टर में ही लोग कैरियर के बारे में सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं है, वो यहाँ से लोगों को जानकारी दी जा रही है, जहाँ से नए नए सेक्टर में अपने कैरियर बना रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एडुकेशन कैरियर के बारे में बात नहीं होती, यहाँ पर लोगों को एक मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता है कि आज के समय में वो कैसे दुनिया को देखेंगे, कैसे फेस करेंगे, कैसे टफ सिचुएशन को कैसे वो फाइट करेंगे, ये ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। और यहाँ पर लोग एक अपना अपने हिसाब से अपना इनकम कर सकते हैं, अपने टाइम को यूज करके एक अर्न कर सकते हैं। कोरोना के बाद में देख, मैं खुद एक MCA स्टूडेंट हूँ, मैं इस संस्था से करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कोरोना के बाद में मेरे अच्छे से फ्रेंड जो विदेश में काम करते थे उनकी जॉब चली गई, आज वो लोग बेकार बैठे हुए हैं। आज ये समय यहाँ पर आया है कि जो सरकारी जॉब या इस पर जॉबों पर ध्यान छोड़ करके कहीं दूसरे जगह, जैसे बहुत ऐसे सेक्टर है जिस पर लोगों की जरूरत है लेकिन लोग वहाँ पर उतनी स्किल्ड नहीं है, उस सब सेक्टरों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और लोगों को हम लोग एक रास्ता दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ एक ट्रेनिंग के साथ दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का कार्यक्रम स्टेशन चौक पर किया गया। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदित्य राज ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में आकर छात्रों और नौजवानों के बीच धार्मिक भेदभाव पैदा करना कहीं से उचित नहीं होता। छात्र का कोई धर्म नहीं होता, उनके बीच केवल पढ़ाई संबंधित विषय ही रखना उचित होगा। ऐसी मानसिक भेदभाव करने वाले मंत्री को बिहार सरकार मंत्री पद से अविलंब बर्खास्त करे।
करें। नगर मंत्री कपीस शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा वाले व्यक्तियों का पुरजोर विरोध करती है। ज्ञात हो कि बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस को नफरत और समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ बताया गया था। मौके पर जिला संयोजक रोहित राज, कुणाल पांडे, राजहंस यादव, रोजी सिंह, प्रीति कुमार, गौतम साहू, सत्यम झा, अमरजीत, राहुल शिवसागर प्रिंस एवं दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दान किए हैं। आज जिस तरह से रामचरितमानस को कलंकित कहने का काम किया है, ऐसे में ऐसे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बार बार इस देश में देखा जा रहा है कि हिंदुओं के आस्था को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए कई तरह का बयान दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है। ज्ञात हो कि उन्होंने रामचरितमानस, जो कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र पर आधारित पुस्तक है, ऐसे हिंदुओं के आस्था के प्रतीक रामचरितमानस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। अगर यही किसी धर्म विशेष के धार्मिक पुस्तक पर अगर यह नारा या टिप्पणी दिया जाता तो आज पूरे बिहार में सरतन से जुदा का नारा गूंजता रहता। ऐसे में नीतीश कुमार क्या बताएंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री को किस हक से अब तक पद पे रखा गया है? क्या बिहार के युवाओं और छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए ऐसे शिक्षा मंत्री को पद पर रखा गया है? क्या नीतीश कुमार यह बताएंगे कि हिंदू सामाजिक सद्भावना की बात करने वाले लोग आज आखिरकार क्यों बार बार हिंदुओं के सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम करते हैं? युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव के सौजन्य से पंचायत स्तरीय माँ शीतला महमदपुर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन महमदपुर शीतला स्थान झरखुरिया नाथनगर के मैदान में आयोजित किया गया। यह आयोजन पूरे महमदपुर झरखुरिया के ग्रामीणों के द्वारा किया गया। गौरतलब हो कि यह पंचायत स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट हर वर्ष किया जाता है, उसी बाबत इस बार भी इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया गया जिसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। आज का उद्घाटन मैच कंजिया और संतनगर के बीच हुई। वहीं टॉस जीतकर झरखुरिया ने क्षेत्ररक्षण का निर्णय लिया। मैच काफी रोमांचक था। मैच के दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन युवा समाज सेवी विजय यादव, गांव के मुखिया गौतम दास, संतोष साह, प्रदीप यादव ने सामूहिक रूप से फीता काट कर किया। माँ आनंदी संस्थान के सौजन्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जरूरतमंदों को खिचड़ी के सारे सामग्री एवं नए व पुराने वस्त्र का वितरण और संस्था के माध्यम से गरीब दिव्यांग महिला को दुकान खुलवाने का सहयोग किया जाएगा। माँ आनंदी संस्था की संस्थापिका प्रिया सोनी और संस्था के सारे सदस्य हर इंसान में ईश्वर का वास समझकर पुण्य तिथियों में पुण्य कार्य करके अपने आप को ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। सब मिलना चालू लग रहा, कैसे संपर्क ले संस्था? दूसरा बार में मिल गए, पहला था दूसरा, दूसरा बार में मिल गए। कमला करी जी अपना हालात सुन के लिए, प्रिया दीदी को ठीक है, संविधान हम करते हैं। कार्यक्रम हमारे ईश्वरीय के कृपा और देवतुल्य अतिथिगण के आगमन एवं संस्था के सदस्यों के सहयोग से यह कार्यक्रम आज बहुत ही अच्छे पूर्ण रूप से सफल हुई है। इस हमारे कार्यक्रम हमारी जो संस्था है बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे कार्य कर रही है। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कार्य कर रही है। साथ ही साथ वीमेन एम्पावरमेंट पे भी वर्क कर रही है। वीमेन एम्पावरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, उसमें से एक एस्पेक्ट है स्वरोजगार, महिलाओं को उद्यमी बनाकर स्वावलंबी बनाना। तो हमारी संस्था में आज से कुछ दिन पहले सबौर जो है ब्लॉक के रामपुर मोहल्ले की एक अनिता देवी है जो कि हमारी संस्था में कुछ आर्थिक सहायता के लिए आई थी, तो उनसे मैंने यही पूछा, मैं आज आपको दे दूंगी, कल आप किसी और के पास जाओगे, परसों किसी और के पास जाओगे, तो हमारी संस्था का, तो मैंने उनसे उन्हें जो है कॉस्मेटिक एंड ग्रोसरी शॉप के प्रोडक्ट प्रोवाइड करके उसे रोजगार देने की, स्वावलंबी बनाने की हमारी संस्था कोशिश कर रही है। क्योंकि हमारी संस्था का एक और उद्देश्य है, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। भागलपुर जिले के सहकुंड प्रखंड अंतर्गत ग्राम बगचप्पड़ में जलवायु सुरक्षा दल के द्वारा जागरूकता अभियान निकाला गया। उस दल के द्वारा आमजनों से अपील की गई कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जल का उचित प्रयोग एवं संरक्षण करें, सरकारी योजना के दूरगामी सोच को व्यवहारिक रूप से समझकर सहयोग दें, उन सभी तथ्यों के प्रति सजग हो जाएं जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, जैविक खाद का प्रयोग करें, प्लास्टिक के जगह अन्य विकल्प का सहारा लें। अभियान दल में बच्चे, युवा, वृद्ध, सेवानिवृत्त शिक्षक शामिल हुए।